पीछे वाली को देना, तगड़ी वाली माता जी को। हाँ। ओम बाबा जी। हाँ। मेरा नाम गौरी है, हम झारखंड से आए हैं। हाँ। वैसे भी बड़ी गोरी लग रही है। हाँ। मेरा 2 साल से बीपी का दवाई छूट गया है, और बीपी मेरा 15 साल पहले से था, और शुगर भी था, और भस्म रोग मेरा 17 साल पहले था। क्या भस्म? भस्म रोग। हाँ। जिसको आप बताए तब हम लोग जाने कि भस्म रोग है। हम ज्यादा खाना खाते जी, बहुत भस्मक रोग। हाँ, भस्मक जी। कितनी रोटी खा लो, 10 खा लो 20 खा लो 50 खा लो पता ही नहीं लगता कहाँ जाता है जी। फिर क्या किया? तो हम बहुत डॉक्टर को दिखाए। हाँ। तो डॉक्टर बोलते, कोई भी डॉक्टर के पास जाते थे बोलते थे कि ये तेरा मन का भ्रम है। हाँ। तुम पागल हो गई हो। हाँ। कोई भी डॉक्टर हमको दवाई नहीं देते थे, खाली बोलते थे कि इसको लेके पागलखाने में डाल दो, क्योंकि हम लोग रांची झारखंड में रहते हैं, झारखंड हम लोग रांची में सब नज़दीक है हम लोग का पागलखाना, तो बोलते थे कि इसको मनोचिकित्सक के पास ले चलो, नज़दीक है पागलखाना, इसको वहीं भेज दो। तो अभी तेरे क्या हाल है? उसका बीपी शुगर तो ठीक कर लिया, भस्मक रोग का क्या हाल है? भस्मक रोग भी एकदम अच्छा हो गया सर। एक अभी कितना खाती है? अभी मतलब नियम अनुसार को 4 रोटी ऐसा खा लेते हैं। पहले कितनी खाती थी? जब भस्मक 1 किलो चावल तो खत्म हो जाता था। 1 किलो चावल तो खत्म हो जाता एक था। 1 किलो? हाँ, और दर्जन दर्जन केला। 1 किलो चावल जी, 1 दर्जन केला? नहीं नहीं, वो दर्जन दर्जन मतलब सुबह से शाम तक कितना दर्जन? अच्छा, खा ले कई दर्जन। हे रामा। ओ, केला आसान होता था ना खाने के लिए। हाँ, वो आराम से खाया जाता ना जी। मुलायम 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 सिंह होता है वो जी, तो इसीलिए हम खाली केला खाते थे सर। अब ठीक हो गई? देखो मैया, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गौरी है। गौरी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई जी। ये तो और वो अपामार की खीर खाई थी कि नहीं? जी जी, आप ही बताए तभी खाए, तब जाके अच्छा हुए। नहीं तो एकदम दिन भर हम रोटी लेके कहीं भी जाते थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल रोटी लेके पानी लेके चलते थे। सब पे बोलते थे ये पागल है, ऐसा रोटी लेके चलते थे। घर के लोग मेरा बहुत मदद किए, राशन पूरा बांध के चलते थे।